गाइस गुड मॉर्निंग। अभी हो गया सुबह सुबह पोपट अल्ट्रा प्रो मैक्स के। आज रात को ना सभी की पूरे मीन में सभी की ये उम्मीदें थी कि कल हम जब उठेंगे तो हमें मिलेगा स्नोफॉल, जो कि हुआ नहीं। आप देख सकते हो खाली खाली जमीनें पड़ी हुई हैं। सीन क्या हुआ कि कल पूरा दिन बारिश रही और 0.0001% उसमें स्नोफॉल भी हुई। लाइक तरह कतरे आ रहे थे बारिश के, ठारवा स्नोफॉल का फोड़ा आ रहा था। सभी की उम्मीदें थी कि रात को, और गूगल बाबा ने भी बताया था कि रात को स्नोफॉल है 100%, तो सभी उम्मीदें लगा के सोए, लेकिन ना हो सका भाई, क्योंकि पहाड़ों अभी एक ट्विस्ट देखो भाई, पूरे आसमान पे बादल है लेकिन सिर्फ चांद मामू जहाँ पे है ना वहाँ पे बादल नहीं है, बाकी पूरे इस पूरे एरिया में स्नोफॉल नहीं है। पहाड़ों वाली साइड तो रज के स्नोफॉल है, ये नीचे नीचे तक है, अभी वो कवर है पूरा बादलों से। तो जब बादल हटे तब आपको व्यू करवाऊंगा, लेकिन दिल टूट गया यार, हम जो उम्मीदें लगा के सोए थे वो हुई नहीं, स्नोफॉल नहीं हुई। बाकी अभी चांस है हमारे पास दो, और आज के दिन भी बारिश है और कल के दिन भी, इन्हीं 2 दिनों में अगर होना हुआ तो वो हो जाएगा। लाइक स्नोफॉल गिरनी हुई तो गिर जाएगी, बाकी बारिश लगी हुई है हल्के हल्के अंदर आ जाते। बाकी ये बादल जो अभी यहाँ थे रुख कर रहे हैं अभी नीचे निकाले वाली साइड का, तो बाकी पहाड़ तो भाई क्या खूबसूरत लग रहे होंगे। जब बादल हटे ना वहां से फिर आपको मैं उनका व्यू करवाऊंगा। बाकी अभी टाइम हो रहे हैं सुबह के 5:30, तो बर्फ हो, बारिश हो, बादल हो, जो मर्जी हो, ठंड हो, गर्मी हो, भाई नमाज की कोई माफी नहीं है। अभी नमाज पढ़ के आगाज करते हैं दिन का, तो रात को स्पेशल मैंने इसलिए खोली ताकि यहाँ से मैं चेक कर सकूँ भाई स्नोफॉल हो रही है या नहीं। अरे हद निगाह बिल्कुल जीरो। गाइस गुड मॉर्निंग बैक अगेन। अभी अगेन दोबारा मेरी गुड मॉर्निंग हो चुकी, देख सकते हो हद निगाह कितनी कम है, पूरा फोक फोक आ चुका। बाकी थोड़े थोड़े से वो पहाड़ नजर आ रहे हैं स्नोफॉल वाले, वो भी सो रहे हैं भाई, तो वहाँ पे चल के बात करते हैं। तो हाँ जी गाइस, दोबारा जाग चुके हैं, गुड मॉर्निंग हो चुकी है हमारी, और अभी देख सकते हो सिचुएशन क्या बनी हुई है, मतलब पूरे विलेज में फोग ही फोग है। इस साइड फिर इतनी नहीं है, वो ओल्ड हाउस तक हमारी नजर जाती है, लेकिन उस साइड थोड़ी ज्यादा है क्योंकि जिधर दरख्त होते हैं ना उधर ज्यादा हो जाती है। खैर जी, स्नोफॉल तो नहीं हुई सुबह, मैंने आपको शायद अपडेट दी थी, बट उम्मीद है कि आज या कल 2 दिनों में हो जाएगी, होप सो के हो जाए। बाकी अभी मैं इतना बेवकूफ़ कपड़े ले आता उधर से, अभी मैं व्लॉग बनाने के लिए आप डबल फेरा, ये देखो भाई इधर लो भाई, आज भी अनप्रेस्ड कपड़े ही पहनने पड़ेंगे क्योंकि लाइट तो होती नहीं है भाई साहब, एक वो नीचे आ जाए लाइट को तो भूल जाओ। अब स्नोफॉल भी हो और लाइट भी हो, दो दो मज़े विलेज में, ये तो इम्पॉसिबल है। बाकी सुबह सुबह अभी मैंने फेसबुक पे एक देखा था कि किसी ने पोस्ट की हुई थी कि मेरी जो फेलियर्स की 90% काज है, वजह जो है वो है इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि टाइम पे होती नहीं है। तो मैंने सोचा कि और भी हैं कोई किसी इलाके की हमारी तरह हालात के मारे हुए, तो जब उनकी मैंने आईडी खोली, अबाउट वगैरह चेक किया, तो वो भी हमारे ही एरिए के थे थोड़े, तो फिर मुझे लगा कि पूरे वर्ल्ड में एक हम ही हैं जो इस बीमारी से गुजर रहे हैं। बस अभी हाथ मुँह धोते हैं और आगाज़ करते हैं दिन का। और अभी एक चीज़ मेरे माइंड में आ रही कि रात को तकरीबन 3 बज गए, अभी मैंने विंडो आपको जो बताया कि मैंने खोल के रखी हुई थी स्नोफॉल देखने के लिए, रात के 3 बज के आसपास जब मैं जागा तो मुझे सब कुछ वाइट वाइट नज़र आया। मुझे तो कन्फर्म हो गया कि स्नोफॉल हो गई है पूरे एरिए में, और अब मुझे लग रहा है कि वो था क्या ख्वाब, मतलब ख्वाब में भी स्नोफॉल आ रही है क्या। बाकी अभी अगेन हल्की हल्की बारिश स्टार्ट हो चुकी है, तो भी हाथ मुंह धो लेते हैं फटाफट। तो हाँ जी गाइस, ये रहा फाइनली अपना सेटअप सर्दियों का, कुछ ज़्यादा तो अपने आप को बचाना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि 3-4 दिन जो पिछले गुजर चुके हैं उनमें मेरी तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब थी, इतनी ज़्यादा कि पूछो मत, लाइक गले में दर्द, बुखार, जुकाम, जो जो एक बीमारी होती है ना इंसान को बुखार के साथ साथ, वो सारी हो गई थी। खाना ज़्यादा ज़रूरी है, तो इस वजह से टोपी, मास्क वगैरह सब कुछ पहन लिए। हाँ बादशाह, ये लब्धे पे हो? इसकी लब्धे पे हैं पर लब्धा नहीं। तो बाजी तो पूरा स्टोर रूम भरा हुआ है, इसमें क्या मिलेगा? ठीक, बैटरी नहीं है तो फ्लैश खुद ही ऑफ हो रही है। हाँ जी, तो हाँ जी गाइस, अभी ये बारिश ने थोड़ी सी फुर्सत दी है तो मैं निकल के आया हूँ हमाद भाई की तरफ। बर्फबारी हो चुकी है इधर, बारिश का सबूत ये देखो, ये तारे गुजरी हुई है इस पर। बाकी अभी हम सामान ढूंढ रहे हैं जो पाइपों का, मतलब सेटअप नहीं होता कि यहाँ ठंड बहुत, क्योंकि हमारे विलेज में बारिश के बाद ठंड बहुत ज़्यादा हो रही है, तो पाइपों के अंदर जो है वो पानी जम जाता है, तो फिर वो खोल खोल के सेट करना पड़ेगा। एक तो हवा मतलब अंदर आ जाती है, फिर पानी नहीं आता। पानी तो अल्हम्दुलिल्लाह इन बारिशों में वाफर मिकदार में हो चुका है, बस पाइपों की, बस आज पाइपों का सेटअप करना है, फिर पानी यूँ आने लग जाएगा। बाकी हम लोग ये हम लोग अभी ढूंढ रहे हैं रेंच जिनसे पाइप खुलती है।
मिल नहीं रहे लेकिन तो हाँ जी गाइस, अभी रेंज वगैरह तो नहीं मिली लेकिन अभी हम जा रहे हैं ऐसे ही, हमारे भाई भी वो सामने, चलते हैं पानी की सूरत हाल देखते हैं क्या सिचुएशन है। हाँ तो हाँ जी गाइस, फाइनली मैं आ चुका हूँ चूल्हे के सामने। यहाँ से मैं बिल्कुल नहीं हटने वाला जब तक लाइट नहीं आ जाती। लाइट आएगी तो बैटरी काफ़ी कम चार्ज है, तो मोबाइल चार्ज करके फिर ही आपसे मुलाकात होगी। पाइप वालों की तरफ मैं जाने लगा था लेकिन ठंड बहुत है, तो अभी यहीं चूल्हे के सामने बैठ के आग सेकते हैं। जैसे ही लाइट आती है तब मिलती है आपसे। व्हाट्सअप गाइस, दिस इज़ द नेक्स्ट डे और आज के दिन हमारे पास लास्ट चांस है कि अगर लगी नहीं, मैं आपने देखा था कि हमारी लाइट चली गई थी जिसकी वजह से वो रात वो पूरा दिन आई नहीं और रात को जाके आई, फिर मोबाइल मैंने चार्ज किया और फिर आपसे बात की। और अभी मैं आपको बताऊं एक और चीज़ भी हो रही है जो 80% तो रिलेट करती है स्नोफॉल से, लेकिन ये देखो भाई मैं जी अभी जा रहा हूँ नीचे लेकिन मैं फंस चुका हूँ। ये जो चीज़ अभी लगी हुई है ना, ये घर वालों से मुझे पता चला है कि ये बहुत बेनिफिशियल होती है स्नोफॉल के लिए, क्योंकि बारिश के बाद मिट्टी सारी जो है वो गीली हो जाती है। जब ये उसके ऊपर पहले ये कुछ हार्ड टाइप के ओले बरसते हैं तो फिर उसके ऊपर एक लेयर जम जाती है, फिर उसके बाद जब स्नोफॉल होती है तो स्नोफॉल उसके ऊपर जल्दी बैठ जाती है। जब गीली मिट्टी हो तो स्नोफॉल इतनी जल्दी बैठ नहीं जाती। लेकिन हाँ जी गाइस, ये जो स्नोफॉल लाइट है ये तो काफ़ी तेज़ी से फैल रही है, सो कि अब ओरिजिनल भी जल्दी से जल्दी लगे और हमारा जो ड्रीम है वो पूरा हो जाए, क्योंकि आज हमारे पास लास्ट दिन है। कल से मौसम बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर पूरा मंथ, तो बाकी ये अभी इसकी एक लेयर बैठना स्टार्ट हो चुकी है। लेकिन मुझे इतनी जेलसी हो रही है ना कि क्या बताऊँ आप। हमारे सामने एक वो वाला पहाड़ है ठीक है, लेकिन उस पर स्नोफॉल गिर रही है यार, ये तो ज्यादा है। लो भाई ये क्या हो गया, ब्लरी ब्लरी हो गया यार, पानी का कतरा लगा। खैर इसी से, लो भाई अभी छोड़ो स्नोफॉल के मज़े को, मौसम बिल्कुल क्लियर हो चुका है और आज लास्ट दिन था। आज भी स्नोफॉल नहीं हो पाई, अब मौसम क्लियर है, आगे महीना डेढ़, तो दो महीने सिर्फ सर्दियों के रह चुके हैं। अगर इन दोनों महीनों में हो गई तो हो जाएगी, वरना तो नेक्स्ट ईयर इंशाल्लाह। बाकी वक्त ही चलते हैं अपने नुकसान की तरफ। हमारा मतलब अभी स्नोफॉल के तो काफ़ी ज़्यादा मज़े हो चुके हैं, लेकिन अभी चलते हैं नुकसान की तरफ। मज़ों के साथ साथ नुकसान भी तो हुआ है, हल्की सी लैंडस्लाइड भी हुई है बारिश की वजह से वहाँ से यहाँ। कि नुकसान ये हुआ है, सेकंड लास्ट या इससे पीछे जो सेकंड लास्ट व्लॉग है उसमें मैंने आपको बताया था कि एक जानवर है वाथोग नामी, जो कि फसल की तबाही कर देता है, और वो अभी हमारे एक हमारे गांव के एक ही खेत में उसने वो तबाही की थी हमारे भाइयों के खेत में। और वो सभी ने ये अंदाज़ लगा के छोड़ दिया कि यहाँ से रास्ता गुजरता है तो शायद वो जा रहे हो जंगल की तरफ, तो रास्ते में उनको वो खेत नज़र आ गया तो उनने उधर थोड़ा बहुत जो है वो हलचल कर दी। लेकिन ऐसा नहीं, अब वो वापस आ चुके हैं हमारे खेत में भी। एक साइड पे मैं आपको भी चल के बताता हूँ, तो इसका मतलब ये है कि वो प्रॉपर उनको पता चल चुका है कि इस गांव में खेत हैं और खेतों में फसलें भी हैं। तो भैया पहुँच चुके हैं हम उस जगह पे जहाँ हुई है वारदात, और वो जगह रही ये देखो भाई, इतने बड़े बड़े गड्ढे डाले हुए इन्होंने पूरे खेत में, ऐसे आपको पता चल गया ये नॉर्मल खेत है और ये इतना बड़ा गड्ढा। बाकी यार देखो ये तो सत्यानाश कर देंगे पूरी फसल का, इनका कुछ करना पड़ेगा, तो वो जो भी होगा वो आपको दिखाएंगे हम जरूर।